वालेकुम। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कोफ्ते, ये जो कि बड़े के गोश्त के बनेंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी उस तरीके से कोफ्ते ना तो फटेंगे और ना ही टूटेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कोफ्ते बनाने के लिए किन किन सामान को तैयार किया है। मैंने 3 पाव बड़े के गोश्त लिया है, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटी कर ली है इस तरह से, और आधा मैंने नारियल, ड्राई नारियल लिया है, और एक मुट्ठी मैंने काजू लिए हैं, एक मुट्ठी ही मैंने चने के दाने लिए हैं, और 2 टीस्पून मैंने पोस्त लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 6 हरी मिर्च ली हैं और हरा धनिया लिया है। चलें फिर इन सब चीज़ों को पीस लेते हैं। सबसे पहले हम गोश्त पीस लेते हैं चॉपर में। हमने गोश्त पीस लिया है। अब पीसते हैं चने, अब पीसते हैं ड्राई नारियल, अब पीसते हैं काजू, अब पीसते हैं पोस्त, अब कट करते हैं प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। हमें बारीक बारीक कट करना है प्याज भी और हरी मिर्च भी। 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का डालेंगे। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इनके कोफ्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 5 हरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून नमक का ले रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। अब हम इन चीज़ों को पीस लेते हैं, मिक्सर में पीस लेते हैं इन सब चीज़ों को। नॉन स्टिक का भिगोना ले रही हूँ, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरे का, 5 लौंग और 5 काली मिर्च। गरम मसाला लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे मसाला जो कि हमने पीस कर रखा हुआ है। मसाला धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, फ्लेम मीडियम कर लीजिए जैसे कि मैंने की हुई है। मसाला तैयार हो चुका है, ऑयल भी मसाले से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। कोफ्ते हम धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरह से एक एक करके डालेंगे। इस तरह से मसाले में मिक्स कीजिए कोफ्तों को। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना आपको शोरबा रखना है उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी का डाला है। देखिए, गर्मा गर्म कोफ्ते तैयार हैं। अब हम गार्निश के लिए इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।